यहाँ पे मृगांका पीछे चल रही थी, लेकिन अब वो यहाँ पर आगे हो चुकी और है। और यहाँ पर एक लाइन करिश्मा ऐड करूंगी, याद है अमित शाह ने कहा था तमाम कार्यकर्ताओं को और यहाँ के लोगों के कि पुराना कहराना भूल ना जाए। बिल्कुल, पलायन की जो लगातार पलायन का जो मुद्दा उठ रहा था और यही एक वजह रही पूजा, मुझे ऐसा लगता है, क्या लगता है आपको पलायन का मुद्दा यहाँ पे काम कर गया? क्योंकि हर एक बीजेपी का दिग्गज जो नेता था हर मंच से इसको लेकर यहाँ पर विपक्ष पर हमला बोलता रहा है। देखिए बिल्कुल करिश्मा, पलायन का मुद्दा पिछली बार भी काम कर गया था और इस बार भी काम कर रहा है, और जो राहत यहाँ के लोगों को मिली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त बनाई है, यहाँ से लगातार चुनौती बीजेपी को मिल रही थी और ये दावा लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा था। उधर अवध में भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है, बुंदेलखंड में भी बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो देखिए पश्चिम से पूरब तक जो बयार है फिलहाल तो बीजेपी की दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बीजेपी ने बढ़त बनाई, उधर पूर्वांचल की सीटों पर भी खबरें मिल रही है, जो रुझान बता रहे हैं यहाँ पर भी बीजेपी ने बढ़त बना ली है। उधर अवध में भी बीजेपी अच्छा खासा प्रदर्शन करती नजर आ रही है, यानी जो नतीजे कह रहे हैं प्रिया, क्या माने जो सोच रहे थे क्या हकीकत बनने वाला है? देखिए हम, मुझे लगता है कि 12 बजे तक का अभी भी हमें इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फतेहपुर की बिंदकी सीट से अपना दल के जय कुमार आ गए, ये बड़ा अपडेट। योगी सरकार में जेल मंत्री है जय कुमार, जय की पहले पीछे चल रहे थे लेकिन अब इन्होंने भी बढ़त ले ली है। फतेहपुर के बिंदकी सीट से ये खड़े हुए हैं, विधायकी के चुनाव में योगी सरकार में जेल मंत्री है। योगी सरकार के कई मंत्रियों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। इस वक्त बीजेपी 144 सीटों पर लीड के साथ आगे बढ़ रही है, जबकि एसपी 81 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। बीएसपी 6 सीट पर आगे, यहाँ पर कांग्रेस भी देखिए 3 सीट पर आगे चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी का भी हम जिक्र कर रहे थे, AIMIM को फिलहाल 1 सीट पर ही मुझे लग रहा है अभी संतोष करना पड़ेगा शुरुआती रुझानों में। तो कम से कम बीजेपी 144 सीटों के साथ आगे है, बड़ा अपडेट ये। और देखिए जिस तरीके से लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे विपक्ष ने, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे कोरोना का मुद्दा हो, चाहे लखीमपुर खीरी, चाहे हाथरस की बात कर ले, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर ले, इन्हीं तमाम चीजों को मुद्दा बनाया था विपक्ष ने। एकजुट होने की, लामबंद होने की कोशिश विपक्ष ने खूब की थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बाबा का बुलडोजर काम करता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में 144 सीटों के साथ इस वक्त बीजेपी आगे है। इंतजार 12 बजे तक का, क्योंकि कई बार रुझान बदलते भी हैं, इंतजार करना चाहिए। दोपहर तक तस्वीर कुछ हद तक साफ हो जाएगी कि आखिर उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। करिश्मा बिल्कुल प्रिया, किसकी बनेगी सरकार? लगातार हिंदुस्तान हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बीजेपी 144, समाजवादी पार्टी 81 सीटों पर इस वक्त आगे है, बसपा की बात करें तो 6 सीटों पर। और एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट जो मिल रहा है समाजवादी खेमे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इटावा की जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव इस बार पीछे हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी खेमे से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, शिवपाल यादव पीछे हुए हैं। जसवंत नगर सीट से ताल ठोकी थी, एकमात्र सीट उनको मिली थी जसवंत नगर, और वहां से भी अब वो पीछे हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं ये तो फिलहाल रुझान है, नतीजों में कब तब्दील होंगे ये देखना होगा। एक और बड़ी खबर, इलाहाबाद पश्चिम से बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि योगी सरकार के मंत्री हैं, योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल है, वो इस वक्त पीछे हो गए हैं। लेकिन ये आंकड़ा पहले भी हमने देखा, जो मंत्री हैं मंत्रिमंडल में जो थे वो फिलहाल पीछे थे, लेकिन अब जो ताजा अपडेट मिल रहा है, देखिए सिद्धार्थनाथ सिंह आगे हो गए हैं। और यही मैं कह रही थी पूजा कि देखिए पहले ये तस्वीरें आई कि जो योगी सरकार के मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हैं, जो मंत्री हैं, वो पीछे, लेकिन अब यहाँ पे मार्जिन बढ़ाते हुए वो आगे। अब नोएडा सीट का जिक्र करूं तो कांग्रेस की पंकुड़ी पाठक यहाँ से पीछे है, और देखिए यहाँ पे भी काफी टफ फाइट थी और नोएडा सीट से इस वक्त कांग्रेस पीछे चल रही है। देखिए बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर अगर यूथ कंटेंट देखते हैं ना करिश्मा, तो यहाँ पर अच्छी खासी पैठ उनके बीच में पंकज सिंह की देखने को मिलती है, और इसीलिए ये बहुत बड़ा रीजन है कि पंकज सिंह यहाँ से आगे चल रहे हैं। पंकुड़ी पाठक एकदम बड़ी चुनौतियों के सामने थी जरूर, लेकिन पंकज सिंह को पीछे करना ये भी उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ऐसे में जो यहाँ मुद्दे हैं उसी को देखते हुए
जो पिछला उनका कार्यकाल रहा है उस पर सभी की नजर रही है और देखिए आपने पिछला कैसा काम किया उसी के बिना पर यहाँ पर जनता आपको वोट कर रही है। शाहजहांपुर से सुरेश खन्ना आगे हैं। देखिए बीजेपी में जो योगी सरकार है मंत्री है गन्ना मंत्री है सुरेश राणा सुरेश खन्ना और देखिए यहाँ पर वो आगे चल रहे हैं शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर सीट से फिलहाल सुरेश खन्ना आगे चल रहे हैं बीजेपी के और देखिए यहाँ पर सभी की जो नजरें हैं इसी वक्त यही है कि भाजपा और सपा में आखिर कौन आगे बढ़ता है कौन पीछे रह जाता है। लेकिन जो फिलहाल शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक देखें तो बीजेपी अच्छी खासी बढ़त बनाए हुए हैं और अब जो फासला बीच भाजपा और सपा के बीच है वो धीरे धीरे और बढ़ता भी जा रहा है। हालांकि देखिए उसे कवर अप करने की कोशिश यहाँ पर लगातार सपा की तरफ से की जा रही है। लेकिन अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या हम अवध क्षेत्रों की बात करें 156 सीटों पर देखिए अब बीजेपी आगे हो गई 156 सीटों पर बढ़त बना ली है। 98 सीटें पे वहीं सपा आगे चल रही है और देखिए बीएसपी और जो कांग्रेस का काफिला है वो 6-3 अभी तक 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए हैं। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर क्या तस्वीर सामने आएगी। लेकिन रुझान सबसे पहले सबसे सटीक आप देख रहे हैं इस वक्त दे हिंदुस्तान पर। तो फिलहाल बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 156 सीटों पर आगे है और 98 सीटों पर फिलहाल सपा आगे चल रही है। प्रिया क्या लग रहा है ये रुझान आगे जब पहुंचेगा तस्वीर बदलेगी उलटफेर होगा? बिल्कुल कुछ भी उलटफेर हो सकता है इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। बीजेपी 156 सीटों पर लीड के साथ जबकि समाजवादी पार्टी 98 बीएसपी 6 सीट पर आगे। हिंदुस्तान सबसे पहले आपको रुझान बता रहा है बेबी रानी मौर्य पीछे हैं। आगरा सीट से बीजेपी की बेबी रानी मौर्य पीछे हैं। देखिए उत्तराखंड की गवर्नर रही थी और जब इन्होंने इस्तीफा दिया तभी से ये बात सामने आ गई थी कि ये चुनावी मैदान में होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ की करीबी भी मानी जाती है। देखिए इन पर भरोसा भी जताया गया। लेकिन बड़ा अपडेट ये कि आगरा से पीछे चल रही है बेबी रानी।